रामनगर थाना क्षेत्र में बीती 21 दिसंबर को हुई डकैती मामले में पुलिस ने खुलासा कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लुटेरे के कब्जे से लूट के पैसे एवं अवैध असलाह भी बरामद किया है। बीती 21 दिसंबर को शादी में दावत खाने आए बदमाशों ने मकान की रेकी कर दिया था। डकैती की वारदात को अंजाम घर में मौजूद छोटे बच्चे को हथियार के बल पर पॉइंट पर लेकर की थी डकैती। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये हैं मुजम्मिल, नूर मोहम्मद, आजाद एवं दिलशाद। ये चारों शातिर लुटेरे हैं। मुरादनगर निवासी नसीमुद्दीन के पड़ोस में रहने वाले शख्स के यहाँ शादी थी, मगर पड़ोसी का मकान में जगह की कमी के चलते नसीमुद्दीन ने अच्छे पड़ोसी होने के नाते शादी में आने वालों को अपने घर में दावत दी। दावत में दिलशाद भी पहुंचा और नसीमुद्दीन के घर में मौजूद सामान को देखकर रच डाली डकैती की साजिश। खाना खाने के बाद दिलशाद अपने 4 अन्य साथियों के साथ 21 तारीख की रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब नसीमुद्दीन के मकान पर पहुंचा और घर में घुसते ही घर में मौजूद छोटे बच्चे की चाकू की नोक पर लेकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने घर में रखे तकरीबन 6 लाख रुपए एवं अन्य कीमती सामान लूट लिया। तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार कल मुरादनगर थाना क्षेत्र से ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 21/22 की रात का खुलासा हुआ है, क्या कुछ बरामदगी है, किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया था, क्या बताएं? 21/22 की रात को मुरादनगर कस्बे में एक घर के यहाँ डकैती हुई थी, जिसमें 5 डकैतों ने घटना को अंजाम किया था। एक छोटा बच्चा था 5 या 6 साल का, उसके गर्दन पर तमंचा लगा के उसकी माँ से लोग 50,000 लूट के ले गए थे। उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक फरार चल रहा है। चारों में 3 का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जो मेन मास्टरमाइंड था मुजम्मिल, उसको पैसों की तंगी चल रही थी, शायद उसने कुछ लोन ले रखा था, उस लोन को चुकाने के लिए उन्होंने डकैती की। इनके पास से 18,500 रुपये मिले हैं, चाकू मिले हैं और एक तमंचा बरामद। सर, रेकी कब की थी, उन्होंने डकैती की प्लानिंग कैसे की थी, कैसे सब लोग इकट्ठा हुए थे? उसी रात को नसीमुद्दीन के यहाँ पड़ोसी के लड़की की शादी थी, तो उसके यहाँ भोज किया गया था, क्योंकि जगह की कमी थी नसीम उसके यहाँ पड़ोसी के यहाँ। उसमें ये लोग निमंत्रित थे, 2 लोग का निमंत्रण दिया गया था, 2 लोग खाना खाने गए, उसी टाइम उन्होंने रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। डकैती में क्या क्या सामान गया था और कितना सामान रिकवर कर लिया गया पुलिस द्वारा? डकैती में 2 कुंडल गए थे और करीब 55,000 रुपये गए थे, जिसमें से 18,500 रुपये बरामद हो गए। कुंडल की बरामदगी शेष और एक अभियुक्त शेष।